वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन यानी कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे देखिए कैटलिस्ट जो होती है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है लेकिन उसके केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आने देता वो होते हैं कैटलिस्ट जो रेट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन अगर एग्जाम्पल लें रेट ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन टू के सी एल ओ थ्री का अगर इसे हीट किया जाए और हीट के साथ साथ एक कैटलिस्ट का यूज़ हो रहा है वो है एम एन ओ टू का इसका यूज़ किया जाए तो एम एन ओ टू एक कैटलिस्ट है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह प्रेजेंट है तो वो के सी यहाँ से के सी एल प्लस ओ टू प्रोड्यूस कर रहा है तो कैटलिस्ट क्या होता है कि रिएक्शन को बढ़ाता है एक रिएक्शन देता है बिना केमिकल चेंज के और साथ में साथ रिएक्शन दे के सेपरेट भी हो जाता है वो होता है कैटलिस्ट कैटलिस्ट एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए कि ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है और सी एज अ कैटलिस्ट है ए और बी क्या है रिएक्टेंट है तो कैटलिस्ट क्या करेगा ये ए और बी से मैच करेगा यानी मिक्स होगा ए और बी इसके साथ इसके सरफेस पे वर्क करेंगे तो ये इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है अब कैटलिस्ट क्या करेगा इस इनके रिएक्शन करवा के ए बी की ए और बी का बॉन्ड बना देगा ए और बी का या बी ए जिस तरह भी बॉन्ड बनाएगा यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया और सी फिर से सेपरेट हो जाएगा और ये बी रिएक्टेंट थे ये कैटलिस्ट था इन्होंने इंटरमीडिएट फॉर्म बनाए प्रोडक्ट बनाया और कैटलिस्ट फिर सेपरेट हो गया तो जो एक्शन होता है कैटलिस्ट का वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी पे होता है ये जो चीज़ होती है ना इंटरमीडिएट चीज़ होती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी तो ये होती है हमारी कैटलिस्ट का वर्क अब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है कि अब देखिए अगर हम रिएक्शन जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे जो रिएक्ट कर रहे हैं तो ये जो रिएक्टेंट है जब कैटलिस्ट जो है प्रेजेंट नहीं है अब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन जो हो रही है हो रही है यहाँ हमारे रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है अब ये यहाँ ये जो हमारे पास इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट बिना कैटलिस्ट के विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बिना कैटलिस्ट के अब यहाँ पे अगर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो ये जो कर्व है ये शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब ये जो पॉइंट है यहां से लेकर ये वाला जो पॉइंट आया है ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन विद कैटलिस्ट कैटलिस्ट के साथ तो ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन पाथ को जो रिएक्शन हो रही है उसका पाथ विदाउट कैटलिस्ट और ये भी रिएक्शन पाथ है रिएक्शन का पाथ जो कि कैटलिस्ट के साथ है और इस पॉइंट से लेकर जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ तक का ये है डेल एच जो कि एनर्जी इवोल्व हो रही है रिएक्शन के ड्यूरेशन में तो ये काम होता है कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर देता है प्रोडक्ट भी दे देता है और केमिकल चेंजेस नहीं आने देता तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है रिएक्शन फास्ट हो जाती है और जो रिएक्टन मॉलिक्यूल्स हैं वो Easily जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं यानी कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये हमारे होते हैं है कुछ कैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी हम देख लेते हैं तो देखते हैं इसकी देखिए फर्स्ट ऐसी कैक्टरिस्टिक हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट ही एक लार्ज रिएक्शन के लिए सफिशियंट होता है यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन में लार्ज चेंज कर देता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यानी कि प्रोसेस को फास्ट कर देता है नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कोई भी जो फ्री एनर्जी चेंजेस होते हैं यानी कि फ्री एनर्जी चेंजेस जो कि डेल जी होते हैं वो उनको अलर्ट नहीं करता और ऐसे ही वो डेल एच डेल एच क्या है एंथेलपी चेंजेस हैं उन्हें भी अलर्ट नहीं करता है तो ये अच्छी बात है यानी कि किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा वो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कि ये कोई केमिकल चेंजेस नहीं करता है मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी तो केमिकल चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कोई भी केमिकल चेंज नहीं करता है ये रिएक्शन में पार्ट लेता है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करता यानी जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा यानी कि डिस्टर्ब नहीं करता है रिएक्शन को नेक्स्ट है डो नॉट डिस्टर्ब रिवर्सेबल रिएक्शन देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सेबल यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है तो इसकी जो स्पीड होती है जो एसेलरेशन की स्पीड होती है फॉरवर्ड रिएक्शन में भी होती है और बैकवर्ड में भी होती है सेम इक्विलिब्रियम आ जाता है तो वो जो इक्विलिब्रियम होता है यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो इक्विलिब्रियम होता है उसे भी ये डिस्टर्ब नहीं करता और कोई भी चेंजमेंट नहीं लाता इक्विलिब्रियम में बल्कि इक्विलीब्रियम को क्विकली अटेन करने में हेल्प करता है कि जल्दी से इक्विलीब्रियम आ जाए तो उसमें हेल्प करेगा लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करेगा तो इसकी बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ही एसोरेट करेगा यानी वर्क उस पर ही वर्क करेगा यानी कैटालिस्ट जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए एज अ कैटालाइज वर्क करेगा लेकिन जो नॉन स्पोंटेनियस रिएक्शंस होती हैं उनके लिए वो एज अ कैटेलाइज नहीं होता है तो ये होती है कैटेस्टिक सोफ कैटलिस्ट की तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू